ये चाइनीज लोग भी कमाल करते हैं। टॉर्चर के ऐसे ऐसे तरीके निकालने हैं कि सोच कर ही रूह काम जाती है। और इन सब में से मेरा फेवरेट और आसान के लोग याद रखें, लोग वो मुझे नहीं छोड़ते, दुनिया छोड़ देते हैं। हैंगओवर मूवीज़ वगैरह में देखना तो बहुत अच्छा लगता है। असल में बिल्कुल ऐसा महसूस होता है
जैसे कोई आपके कान के पास बार बार बंदूक चला रहा हो। इन शॉर्ट, सर दर्द से फटा जा रहा होता। रिहैब से निकलते वक्त मैंने ये कसम खाई थी कि अब और कोई नशा नहीं बॉस, सबसे बड़ा नशा जिंदगी बस। लेकिन बोतल देखते ही गला सूखने लगा और सब भूल गया। माँ जिंदा नहीं रही और छोटे भाई की इतनी औकात नहीं कि मुझे मना कर सके। वो जो मेरे साथ खड़ा है वो मेरा भाई है। हाँ पता है लगता नहीं लेकिन है। और ये जो बकवास कर रहा है इसका नाम है सुलेमान, बॉस का खास आदमी। और इस वक्त ये हमें कुछ ऐसा समझाना चाह रहा है जो हम सुनने के मूड में नहीं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, बॉस को छोड़ना इतना आसान है क्या? भूल गया असलम के साथ क्या हुआ था? असलम दोस्त था हमारा, उसी के कहने पर तो जुआ खेला। पैसे बॉस के थे, लग गए। एकाले नाम असलम। चिकने नाम। सर सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बस फिर हम बॉस के लिए काम करने लग गए और अब काम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे सुलेमान ने कहा बॉस को छोड़ना इतना आसान नहीं। तुम लोगों को पता है ना बॉस ने तुम लोगों पे कितने पैसे लगाए हैं? तो कमाए भी तो है। देख हम यहाँ बहस करने नहीं आए, तुझे बस इतना बताना है कि अब हम बॉस के लिए काम नहीं कर सकते, बता देना उसको। आगे क्या होने वाला था ये तो हम भी नहीं जानते थे, लेकिन वीकेंड आ चुका था और मैं पूरी तरह से बेहोश होने के लिए तैयार था। पूरी तैयारी कर रखी थी, ड्रग्स के अलावा आपको चाहिए कमरा जो कि आपको छोड़ना नहीं है। एक बेड, मैगी के चार पैकेट, पॉपकॉर्न का एक डब्बा, बिस्किट का एक डब्बा, मिनरल वाटर, माउथवॉश, विटामिन्स, डिस्प्रीन और पैनाडॉल की गोलियां, ब्रूफेन, आइसक्रीम का डब्बा और दूध का डोल, एक बाल्टी इन केस ऑफ वॉमिटिंग, एक लैपटॉप और पसंद की 3-4 फिल्में। और इसके बाद आप तैयार हैं फाइनल हिट के लिए, जिसके बाद सब कुछ झूमने लगेगा, घूमने लगेगा।
कहते हैं हीरोइन से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सही कहते हैं, 2 घंटे हो गए, एक हरकत नहीं हुई। बटनमैन बेसिकली बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलर को, लेकिन इससे पहले कभी ऐसे सस्ता कार्ड फेंककर एडवर्टाइज करते तो नहीं देखा मैंने। खैर, आप सब की तरह मैंने भी इसे गॉड की तरफ से एक इशारा, एक मौका समझा और कॉल मिलाकर मीटिंग फिक्स कर ली। यार मेरा नहीं ख्याल उसे मारा जा सकता। अगर इस जिंदगी में कुछ भी सच है, अगर तारीख ने हमें कुछ भी सिखाया तो यही है कि किसी को भी किसी भी वक्त मारा जा सकता। यार ये तो गॉडफादर का डायलॉग था। उससे क्या फर्क पड़ता, तेरा काम हो जाएगा ना, फिक्र ना कर। और मैं हमेशा ये सोचता था कि सारा गन मेरे हिस्से में कैसे आता है। चम्मच में तो वही आएगा ना जो कड़ाही में है। We'll be right back.
जी है, लड़की का एंगल भी है। एक्चुअली इसी ने तो उल्टा आइडिया दिमाग में डाला है, ये नई और नॉर्मल जिंदगी का आइडिया। नॉर्मल जिंदगी मतलब वही सब, एक अच्छी जॉब, एक छोटी सी फैमिली, एक बड़ा टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, कॉम्पैक्ट डिस्क, इलेक्ट्रिकल टिन ओपनर, गुड हेल्थ, लो कोलेस्ट्रॉल, डेंटल इंश्योरेंस, लोन लेकर एक घर, महंगे ब्रांड्स के कपड़े, शॉपिंग मॉल्स, जंक फूड, बच्चे, पार्क में वॉक, गोल्फ खेलना, गाड़ी धोना, पसंद के स्वेटर्स, ईद और बाकी फेस्टिवल्स, इनकम टैक्स फाइल करना, पेंशन का वेट करना, रोज दिन को गुजरते देखना और मरने का इंतजार करना। गार्ड आ रहे हैं।
तुम कहाँ हो? घर ही। क्यों? वही रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं आज ही। हुआ क्या है? सवाल मत पूछो, मेरे कुछ पैसे पड़े फ्लैट में, मैं वो लेकर आ रहा हूँ। जब तू पैदा हुआ था तो तुझे पहली चीज क्या याद है? अंधेरा। कभी रोशनी देखी है क्या? नहीं। क्यों किया ये सब कुछ? बॉस, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बटन मैन ने किया। बटन मैन? बटन मैन? देख, ये तो मैं हूं। ये ख्वाब तो नहीं चल रहा? मैं सो भी रहा हूं कि नहीं? बॉस के भाई को मैंने मारा, वो कार्ड बनाना, वो मीटिंग, सुलेमान की मौत, रेस्टोरेंट पे मुलाकात, वो सब मैं था। हर सांस के साथ थोड़ा सब्र पैदा करने की कोशिश में हूँ, लेकिन धड़कन बहुत तेज हो गई है और दिमाग में आंधी चल पड़ी है। इट्स लाइक किसी ने मुझसे मेरे ही सर के बाल गिनने को कहा और मैं गिन रहा हूँ वो सब दिन, घंटे, मिनट जब मुझे लगा मैंने बटन मैन को देखा। लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो गया ना। अब मैं भाग सकता हूँ ना खुदकुशी कर सकता हूँ, क्योंकि बटन मैन मैं हूँ। आप सभी प्लीज़ ध्यान दें, आप ही हैं जो ये कहानी आगे सुनाने को जिंदा होंगे। काश इस वक्त मैं कुछ कह सकता, कोई लॉजिक सब एक्सप्लेन करने के लिए। फिलहाल इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी कह लें। वो फिल्मी नहीं जैसा साइको, सीक्रेट विंडो, मशीनिस्ट, प्राइमल फियर, आइडेंटिटी, ब्लडी वैलेंटाइन, शटर आइलैंड, मिस्टर ब्रुक्स, साइबल, हाइड एंड सीक, रेजिंग केन और मास्क, ड्रीम हाउस जैसी फिल्मों में हुआ था। यहाँ तो जान असल में चली गई, लेकिन ये तो आप भी माने कि जो भी था अच्छा था।